பங்காளியலா அடிச்சு தூக்கலாமா? Does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार अजीत कुमार की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है विश्वासम। तो दोस्तों, अगर आप भी अजीत कुमार की फ़ैन हो और अगर आप विश्वासम मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजटिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विश्वासम की शिव द्वारा लिखित की और निर्देशित की 2019 की एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू हैं, सत्यज्योति फिल्म की द्वारा निर्मित। फिल्म की आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर 2017 को घोषणा की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई की 2018 में शुरू हुई थी। विश्वासम फिल्म की 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। डी ईमान ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सतीश संगीत की निर्देशन का पुरस्कार जीता और अधिक जाने की इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की विस्तृत हो सकता है। मार्च 2022 की थुकु दुरई थेनी में अपने ग्रो की कोडविलापट्टी में कोडुवलारपट्टी के सम्मानित की सरदार है। 10 वर्षों के बाद गांव के अयनार के मंदिर में एक की थोड़ी विक्चा के एक तमिल की त्यौहार होने वाला है जब थुकु दुरई के प्रतिद्वंदी के मुकोझी मुथुक से इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन थुकु दुरई का अभिमान और उससे उसके ग्रो को डरता है इसलिए कि थिरु विजया की योजना के अनुसार होता है। हालांकि उसका परिवार और उसकी दोस्त उसकी पत्नी और बेटी को देखने के लिए तरह रहे हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद थुकु दुरई उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला करता है। यात्रा के दौरान थुकु दुरई के चाचा की मैरिट और रोशमनी की थुकु दुरई के वर्तमान की जीवन से परेशान है और 10-12 साल पहले ही अपने जीवन को याद करती है। थुकु दुरई को खुशा मिजाज आदमी और चावल मिल के मालिक हुए करते थे जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते। कुछ गुंडों का पीछा करते हुए थुकु दुरई निर्जना नाम के एक ही डॉक्टर से मिलता है जो उसकी हरकतों को देखता है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करता है। जब थुकु दुरई निर्जना को देखते तो वह तुरंत उसके लिए गिर जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है लेकिन बाद में उसे रिहा करने के लिए कि मजबूर किया जाता है। जब अवैद्यपायन ने उसके चिकित्सा की सीवार को बंद करने की धमकी दी जब तक कि वह उसे भुगतान नहीं करती। गुंडों से लड़ने के बाद थुकु दुरई अपने खेत को अपनी चावल मिल की स्थानांतरित कर देता है। निर्जना को थुकु दुरई के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देता है जिससे वह कुछ विचार करने के बाद स्वीकार करता है। वे शादी कर लेते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निर्जना थुकु दुरई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्दी वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल की कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे उसने थुकु दुरई के लिए मना कर दिया। उनकी बेटी श्वेता के जन्म बाद थुकु दुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में नहीं लाने का वादा मिलाने के बाद निर्जना शहर से बाहर चल जाता है। स्टेशन से उसे लेने के लिए रास्ते में बदलना लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अयोध्यापन थुकु दुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकु दुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी।
आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स की CIO है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है और हर चीज में पहले ही स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही सम्मान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लिमेसेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे दौड़ जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है, इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में लवराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतिक्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अर्जित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिह्नित किया।
एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की हाउसिंग के हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंध की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था। मुख्य लेख की विश्वासन धवानी की सांडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है, जो अरिजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड में जंगमाला के रूप में डब किया गया था। फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट की अधिकारियों की नेटवर्क को भेजे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म की द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले दिन में कुल 25 से 4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 33 से 50 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ की मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन के वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सीक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों की सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है, वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रशंसकों को सपोर्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं, वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरन अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अरिजीत और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं, जिसमें इसकी मूछें है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटर ने 35 का मूल्यांकन दिया, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है, परिवारों के लिए अरिजीत कंबो है। अरिजीत कंबो का भावनात्मक की पोंगल उपचार अभिनेता थुकुदुरई के रूप में सुपर ऊर्जा दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए की एक पक्का परिवार की मनोरंजन है,
जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज़ की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया था कि विवेगम में पूर्व यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को वापस तमिल में लाती है नाटू और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए सात की समस्या यह है कि यह अजीत स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का, जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं। डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अजीत कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम की पलक्कड़ के केरल से है और उनकी माँ मोहिनी कोलकाता की पश्चिम बंगाल से सीधी है। अजीत 3 भाइयों में से मगयम की पुत्र थे। अनय अनूप की कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक मद्रास की स्नातक उगामी थे। अजीत ने अपनी उच्च की मगयमी की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले 10वीं कक्षा करने के आसान मेमोरियल की सीनियर की सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया। एनफील्ड की कंपनी के साथ काम करने वाले को एक परिवारी की मित्र के माध्यम से अर्जित एक की प्रसिंजु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम था और मौकेनी की बनाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्होंने अपने पिता को अंग्राई पर भूमिका छोड़ दी, जो चाहते थे कि अर्जित एक की सफेद पोस्ट नौकरी करे और एक की प्रसिंजु के रूप में एक की अन्य परिवारी की मित्र की परिधान निर्यातक कंपनी में शामिल हो गए। वह अंत की एक ही व्यवसायी की विकसाकर बनाने के लिए आगे बढ़ा और अपने अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार करते हुए नियमित के रूप से बिक्री किराए पर पूरे देश में यात्रा की। भूमिका के इस्तीफा देने के बाद अर्जित ने 3 अन्य भागीदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक का कपड़ा व्यवसायी की स्थापित किया। अर्जित को वस्त्र उद्योग में एक की और नौकरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापार उगम ने खराब प्रदर्शन किया। इस आवेरी के दौरान अर्जित ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग की असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। हर कयूलिस की साइकिलिंग एंड मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी के त्रिराम की धारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई, जिन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अभिनेता बनाने की उपस्थिति है। अर्जित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एन विदु एन की कनावर के 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में एक की दूसरियों में की थी। एसपी के ब्लास्ट सुब्रमण्यन की सिफारिश के माध्यम से, जिसका बेटा अर्जित का सहपाठी था, उसे तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेमा पुस्तकम की 1993 में उनकी पहली मुख्य भूमिका लिया गया, जो उनकी अब तक की एकमात्र तेलुगु फिल्म बनी हुई है। हालांकि फिल्म की निर्देशन गोलपुरी की त्रिनिवास की मूर्तियों को बाद निर्माण शुरू होने तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। नतीजतन की उनकी पहली बड़ी नाटकीय रिलीज की तमिल रोमांटिक ड्रामा
अमरावती की 1993 थी, जिसे अर्जित ने बलाव सुब्रमण्यम की द्वारा निर्देशित सिल्वा से सिफारिश किए जाने के बाद साइन किया गया था, जिन्होंने उसके विकलम की से पहले ही प्रेमा पुस्तकम के कुछ हिस्से को देखा था। जैसे ही फिल्म की पोस्टर्स की पोस्ट पुष्कर्षण में चली गई, अर्जित की एक ही सहयोगियों की मोटर रेस के लिए प्रेशन के दौरान रेसिंग चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी 3 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ही 1.5 साल तक की बिस्तर पर आराम मिला। नतीजतन की फिल्म में उनकी आवाज़ को अभिनेता विक्रम ने डॉब किया था। चोट के बाद अर्जित खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छुक थे और उन्हें सहायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। बाद के वर्षों में उन्होंने अरविंद की स्वामी स्टार की पार्श्व मलागल की 1994 और विजय स्टार की राजवीन परवेले की 1995 में चित्रित भूमिका निभाई। उन्हें परिवारी की नाटक पवित्र 1994 भी देखा गया था, जिसमें उन्हें एक बीमार रोगी के रूप में राधिका से मृत्यु सनेहा दिखाया गया था। मुख्य अभिनेता के रूप में अर्जित की पहली व्यावसायिक के रूप से सफल फिल्म आशाई 1995 से सफल फिल्म की आशाई वसंत की द्वारा निर्देशित और मणिरत्नम की द्वारा निर्मित फिल्म में उन्हें सुवालक्ष्मी के साथ मुख्य भूमिका में दिखाया गया था, जिसका साल उसके बारे में मोहित ही हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जित को तमिल फिल्म के उद्योग में एक आगामी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने प्रशांत के और पूजा भट्ट की सह कलाकार कालूरी वासल में मुख्य भूमिका निभाई। अर्जित की दूसरी सफल फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कथल की कोटोई के रूप में आई, जिसमें अर्जित ने पहले प्रोजेक्ट की वानमती के निर्देशन अख्तियान के साथ उन्मिलन किया। फिल्म की कदल की कोटोई ने उन्हें देवयानी के साथ जोड़, जिसमें हीरा राजगोपाल ने सहायक की भूमिका निभाई। 1997 में अर्जित 5 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी परियोजना व्यावसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फिल्म की वितरण की व्यावसायिक में प्रवेश किया था और परिणामस्वरूप में उन्हें नुकसान हुआ था। इस आवेदी को क्रूर के समय बताते हुए अजीत को भी पुरानी पीठ की चोट लग रही है और उनकी कई अन्य फिल्म की प्रतिबद्धताओं में देरी हुई। 5 फिल्मों में एक की उल्लेखनीय परियोजना अमिताभ की बचपन की तमिल पुटकसन उलासम की 1997 में, जिसमें उन्हें पहली बार 2 मिलियन 2020 में 93 मिलियन का US के बराबर का उच्चन की वेतन दिया गया था। अर्जित ने 1998 में सारन की काजल की मरनान में एक ही और बड़ी सफल की परियोजना के साथ वापसी की, जो एक ही एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने प्रशंसकों की बढ़ती संख्या की नींव रखी। उन्होंने वास्तव की नेरू ककुर नेर में भी अभिनय करना शुरू किया और बाद में उनकी जगह सूर्या ने ले ली। निन्न लिखित की फिल्म में अवल वरुवाला और उन्हें दाथिल की एनआई केडुथेल में भी सफल रही। बाद में कार्तिक के साथ एक की अर्थिदी की भूमिका में अर्जित की विशेषता थी उड़ोडू की उड़ग्रागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया। 1998 में रिलीज हुई इनकी अन्य 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंग्लिश की 2012 के सेट पर कुमार और अभिनेत्री त्रिदेवी रमेश खन्ना की ठोडाराम और सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा अनिथेरी की मालविका के सामने बड़े की सफलताओं की एक ही श्रृंखला के लिए टोन सेट किया। एस जे की सूर्या की थ्रिलर वाली की, जिसने पहली बार सिमरन के साथ अर्जित को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, उस समय की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म एक की मुरु की बागी भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजरें गड़ाए जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें अर्जित के 2 भाइयों को चित्रा ने उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया।
इसके अलावा अरिजीत को भाइयों को चित्रण की भी प्रशंसा की गई। आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म की एकता और रीता की क्लासिक की थी, जिसमें अरिजीत ने दिखाया कि वह एक ही प्रतिभाशाली की अभिनेता है। नाटक फिल्म में ने लिखी दो भूमिका में आनंद पुंगुरेते और निवेवाई एना में भी उनके चित्रण के लिए अरिजीत की प्रशंसा की गई। नशाबंदी से पहले ही उनकी अंतिम फिल्म की अमर क्लांग थी, जिसका निर्देशन शरण ने किया था और इसमें शालिनी थी, जिसने उन्हें फिल्म की तुरंत बाद शादी कर ली थी। अमर कलाम ने एक अपेक्षित की बच्चे की कहानी सुनाई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेहा की भावनाओं को दिखाने में असफल रहा। इस प्रक्रिया में एक ही गैंगस्टर बन गया, जिसमें अरिजीत के दूषित की चतरित के चित्रण की आलोचना ने सराहना की। उनकी अगली मुगवारी की उन्हें ही वैसा एक और की आलोचनात्मक की प्रशंसा दिलाई। फिल्म की एक ही संघर्षन की संगीतार के जीवन की ईद की गिर्द घूमती है, जिसे अपनी करियर में आगे बढ़ाने के लिए बलिदानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दोहरे अंत थे, एक अरिजीत ने अपने करियर में असफल सफल होने के साथ दूसरा अरिजीत के साथ अरिजीत की प्रशंसन को रेडी को आलोचकों के साथ फिर से प्रशंसा मिली। उन्होंने दावा किया कि अरिजीत की असली विजेता है फिल्म की पटकथा के साथ एक संकेत देते हुए कि साथ ही कहा कि यह देखना आयोजनक है कि अरिजीत एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुआ है। वह शानदार ढंग से चित्रण करता है कमजोर और उदास की त्रिगम व राजीव मेनन की द्वारा निर्देशित ए आर की रहमान की 2020 की संगीतमय की कर्दू मोदेन की कर्दू कोटेन में भी दिखाई दिए। फिल्म में अरिजीत प्रमुख की अभिनेता मामूठी और अभिनेत्रियों को ऐत्रेय राय की तब्बू और त्रिविगा के साथ थे। अपनी पिछली फिल्म के समान भूमिका में अरिजीत ने एक संघर्षरत फिल्म की निर्देशन की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ एक ही उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना कर रहा था। इस जोड़ी की सर्वसम्मति से उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की गई थी। 1999 में सीटी 6 हिट देने के बाद और 2020 में मुगवारी और कुडुकोडेन की सफलता के बाद अरिजीत ने सिमरन की सौ अभिनीत उनाई कुडु एनाई थिर थारुवेन की एक सफल फिल्म की। 2001 में अरिजीत 3 की व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। लैला और सुरेश की गोपी की सौ अभिनीत धीना पोंगली में रिलीज हुई और एक ही एक्शन हीरो के रूप में अरिजीत की एक ही नई छवि शुरुआत हुई जो आज जनता को पसंद आएगी। उन्होंने इस फिल्म की अपनाम की थला लीडर की अरिजीत किया। उसी वर्ष उन्हें नंदा में एक की भूमिका की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह अभिनेता शिव कुमार से सबसे बड़े बेटे सूर्या ने ले ली। उनकी अगली फिल्म बहुत ही परिचित थ्रिलर स्टीजंट की, जिसमें उन्हें 10 अलग अलग गेट ऑफ में चित्रित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर एक की वैसाई की सफलता बन गई। परिवारिक नाटक में एक की भूमिका पुरुवेलन में उन वसम ने जयोतिका के साथ काम किया और तमिलनाडु की राजा के एक ही विशेष सौतेश अभिनेता का प्रसार अर्जित करते हुए व्यावसायिक और समीक्षकों की द्वारा सफल रही। वर्ष के अंत तक की संतोष सिवानी की हिंदी परियोजना की अशोक में हुआ, जिसमें अर्जित ने विरोधी की भूमिका निभाई जिससे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2002 में अरिजीत ने 3 फिल्मों में दिखाई दिए, पहली दो रेड और राजा बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही। पूर्व में एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि का निर्माण किया कि इस राजवी कुमार के द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म विलेन की अरिजीत को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, एक ही मानसिक के रूप से विकलांग की व्यक्ति के रूप में और दूसरी की देखभाल करने के भाई के रूप में फिल्म की सफल रही और उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सौतेश तमिल की अभिनेता पुरस्कार मिला। 2003 से 2005 तक अरिजीत मोटर रेसिंग में अपने करियर की अधिक प्रमुख होने के कारण कम फिल्मों में दिखाई दिए।
2003 में उनकी लंबे समय में विलंबित की एनाई ठलक की वीरूवाला और पुलिस नाटक अंजनेय की रिलीज देखी गई, दोनों व्यावसायिक रूप से विफल रही। उसकी आवेदी में 3 सफल फिल्में में अर्थान सामी, काका के काका और गंजनी की विभिन्न कर्णों से अभिनीत की द्वारा ठुकराई दी गई। उनकी अगली फिल्म की स्नेहा के साथ जाना भी एक बड़ी विफलता बन गई। सारण फिल्म की आगासम के साथ इसकी आवेदी में उनकी एकमात्र हिट रही। फिल्म में अरिजीत ने दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें एक की गीत थाला दीपावली था, जिसे उनकी एक्शन छवि को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। 2005 में लीबू स्वामी की फिल्म जी की विफलता सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने एक मजबूत शुरुआत लेने के बावजूद अजीत ने अपनी छवि को फिर से काम करने के लिए अभिनय से त्रिविक्रम की 2003 और 2005 के बीच रिलीज हुई 5 फिल्मों से उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस पर हिट की आगासम थी। 2006 और दौरान के अरिजीत ने अंतराल से पी की वसु के परमेशिवन में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए 20 किलोग्राम वजन कम किया। फिल्म को मध्यम सफलता मिली। उसने विजय की आठी पर स्कोर किया, जो उसी सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। द हिंदू के लिए आलोचकों ने कहा कि अरिजीत फिल्म में ट्रिम और तना हुआ लग रहा था, केवल उनकी आंखों ने अपनी कुछ चमक खो दी थी। बड़े वजन घटाने के बाद इसके अलावा 2006 में परमशिवन और उनकी 2 अन्य परियोजनाओं के लिए अरिजीत ने लंबे बालों का एक्सपोर्ट किया, जिसे बाल की प्रोजेक्ट नाना कदुअल के लिए उगाया जा रहा था, जिसे अंत अरिजीत ने बाहर कर दिया। इसी तरह पिरारासु की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म की एवीएम पुटकोसन थिरुपति ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार से ऊपर प्रदर्शन किया। खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद रेडिफ और उसको कहा हवाला देते हुए फिल्म की कुछ भी लेकिन समझदार है, लेकिन अरिजीत ने सृष्टि को बचाया कि एक की उत्साहित प्रदर्शन अरिजीत ने अपनी लंबे समय से विलंबित की फिल्म की वरलारू की रिलीज के साथ एक की सफल वापसी की, जो उनकी पहले सबसे बड़ी सफलता बन गई। असीन के 100 अभिनीत की एस की रवि कुमार फिल्म ने अरिजीत को 3 भूमिका में चित्रित किया, जिसमें एक की शास्त्रीय नर्तक की भूमिका भी शामिल थी, जिसमें उनकी चित्रण के समीक्षकों के द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा फिल्म ने अरिजीत को अपना 3रा फिल्म फेयर 33 अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। 2007 में मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभिनेता शंकर के साथ एक परियोजना करेंगे। 2007 में अरिजीत की पहली रिलीज अलवर बॉक्स ऑफिस पर एक ही पराजय की बन गई। उनकी पिछली फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही, यहाँ तक कि हेलो दोस्तों स्वागत है, लेकिन बाद में उसे रिहा करने के लिए कि मजबूर किया जाता है। जब अवैद्यपायन ने उसके चिकित्सा की सीवार को बंद करने की धमकी दी, जब तक कि वह उसे भुगतान नहीं करती। गुंडों से लड़ने के बाद थुकुदुरई अपने खेत को अपनी चावल मिल की स्थानांतरित कर देता है। निर्जना को थुकुदुरई के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देता है, जिससे वह कुछ विचार करने के बाद स्वीकार करता है। वे शादी कर लेते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निर्जना थुकुदुरई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्दी वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल की कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे उसने थुकुदुरई के लिए मना कर दिया। उनकी बेटी श्वेता के जन्म बाद थुकुदुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में नहीं लाने का वादा मिलाने के बाद निर्जना शहर से बाहर चल जाता है। स्टेशन से उसे लेने के लिए रास्ते में बदलना लेने के लिए इंतजार कर रहे अयोध्यापन थुकुदुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकुदुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी।
आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स की CIO है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है और हर चीज़ में पहले ही स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही सम्मान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लेमेसेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे दौड़ जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है, इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में लवराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रीति क्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जोड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अर्जित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिह्नित किया। एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की
हाउसिंग की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंत की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था। मुख्योले की विश्वासन धवानी की सांडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है, जो अरिजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जंगमाला के रूप में डब किया गया था। फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट की आधिकारिक की नेटवर्क को भेजे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म्स की द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले दिन में कुल 25 से 4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 33 से 50 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन के वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सीक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों की सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है, वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रशंसकों को सपोर्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों को साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं, वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरन अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अर्जित और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं, जिसमें इसकी मूछें है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटर ने 35 का मूल्यांकन दिया, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है, परिवारों के लिए अर्जित कंबो है। अर्जित कंबो का भावनात्मक की पोंगल उपचार अभिनेता थुकु दुरई के रूप में सुपर ऊर्जा दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए की एक पक्का परिवारी की मनोरंजन है, जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया,
जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अर्जित और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज़ की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया था कि विवेगम में प्रू यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को वापस तमिल में लाती है नाटू और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए साथ की समस्या यह है कि यह अर्जित स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का, जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं। डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अर्जित कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम की पलक्कड़ के केरल से है और उनकी माँ मोहिनी कोलकाता की पश्चिम बंगाल से सीधी है। अर्जित 3 भाइयों में से मगयम की पुत्र थे। अनय अनूप की कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक मद्रास की स्नातक उगामी थे। अर्जित ने अपनी उच्च की मध्यमिक की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले 10वीं कक्षा करने के आसान मेमोरियल की सीनियर की सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया। एनफील्ड की कंपनी के साथ काम करने वाले को एक परिवारी की मित्र के माध्यम से अर्जित एक की प्रसिंजु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम था और मौकेनी की बनाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्होंने अपने पिता को अंग्राई पर भूमिका छोड़ दी, जो चाहते थे कि अर्जित एक की सफेद पोस्ट नौकरी करे और एक की प्रसिंजु के रूप में एक की अन्य परिवारी की मित्र की परिधान निर्यातक कंपनी में शामिल हो गए। वह अंत की एक ही व्यवसायी की विकसाकर बनाने के लिए आगे बढ़ा और अपने अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार करते हुए नियमित के रूप से बिक्री किराए पर पूरे देश में यात्रा की। भूमिका के इस्तीफा देने के बाद अर्जित ने 3 अन्य भागीदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक का कपड़ा व्यवसायी की स्थापित किया। अर्जित को वस्त्र उद्योग में एक की और नौकरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापार उगम ने खराब प्रदर्शन किया। इस आवेरी के दौरान अर्जित ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग की असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। हर कैलिस की साइकिलिंग एंड मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी के त्रिराम की धारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई, जिन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अभिनेता बनाने की उपस्थिति है। अर्जित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एन विदु एन की कनावर के 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में एक की दोषियों में की थी। एसपी के ब्लास सुब्रमण्यन की सिफारिश की माध्यम से, जिसका बेटा अर्जित का सहपाठी था, उसे तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेमा पुस्तकम की 1993 में उनकी पहली मुख्य भूमिका लिया गया, जो उनकी अब तक की एकमात्र तेलुगु फिल्म बनी हुई है। हालांकि फिल्म की निर्देशन गोलपुरी की त्रिनिवास की मूर्तियों को बाद निर्माण शुरू होने तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। नतीजतन कि उनकी पहली बड़ी नाटकी रिलीज की तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरावती की 1993 थी, जिसे अर्जित ने ब्लाउज सुब्रमण्यम की द्वारा निर्देशित सिल्वा से सिफारिश किए जाने के बाद साइन किया गया था।
जिन्होंने उसके विकलांग की से पहले ही प्रेमा पुस्तकम के कुछ हिस्से को देखा था। जैसे ही फिल्म की पोस्टर की पोस्ट पोस्टकर्षण में चली गई, अर्जित की एक ही सहयोगी की मोटर रेस के लिए प्रेशन के दौरान रेसिंग चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी 3 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ही 1.5 साल तक की बिस्तर पर आराम मिला। नतीजतन की फिल्म उनकी आवाज़ को अभिनेता विक्रम ने डॉब किया था। चोट के बाद अर्जित खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छुक थे और उन्हें सहायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। बाद के वर्षों में उन्होंने अरविंद की स्वामी स्टार की पार्श्व मलागल की 1994 और विजय स्टार की राजविन परवेले की 1995 में चित्रित भूमिका निभाई। उन्हें परिवारी की नाटक पवित्र 1994 में भी देखा गया था, जिसमें उन्हें एक बीमार रोगी के रूप में राधिका से मृत्यु सनेहा दिखाया गया था। मुख्य अभिनेता के रूप में अर्जित की पहली व्यवसायी के रूप से सफल फिल्म आशाई 1995 से सफल फिल्म की आशाई, वसंत की द्वारा निर्देशित और मणिरत्नम की द्वारा निर्मित फिल्म में उन्हें सुवा लक्ष्मी के साथ मुख्य भूमिका में दिखाया गया था, जिसका साल उसके बारे में मोहित ही हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जित को तमिल फिल्म के उद्योग में एक आगामी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने प्रशांत के और पूजा भट्ट की सौ कलाकार कालूरी वासल में मुख्य भूमिका निभाई। अर्जित की दूसरी सफल फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कथल की कोटोई के रूप में आई, जिसमें अर्जित ने पहले प्रोजेक्ट की वानमती के निर्देशन अक्थियान के साथ सौपूर्णमिलन किया। फिल्म की कदल की कोटोई ने उन्हें देवयानी के साथ जोड़, जिसमें हीरा राजगोपाल ने सहायक की भूमिका निभाई। 1997 में अर्जित 5 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी परियोजना व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फिल्म की वितरण की व्यवसायिक में प्रवेश किया था और परिणामस्वरूप में उन्हें नुकसान हुआ था। इस आवेदी को क्रूर के समय बताते हुए अजीत को भी पुरानी पीठ की चोट लग रही है और उनकी कई अन्य फिल्म की प्रतिबद्धताओं में देरी हुई। 5 फिल्मों में एक की उल्लेखनीय परियोजना अमिताभ की बचपन की तमिल पुटकसन उल्लासम की 1997 में, जिसमें उन्हें पहली बार 2 मिलियन, 2020 में 93 मिलियन का US के बराबर का उच्चन की वेतन दिया गया था। अर्जित ने 1998 में सारण की काजल की मरनान में एक ही और बड़ी सफल की परियोजना के साथ वापसी की, जो एक ही एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने प्रशंसकों की बढ़ती संख्या की नींव रखी। उन्होंने वास्तव की नेरू ककू नेर में भी अभिनय करना शुरू किया और बाद में उनकी जगह सूर्या ने ले ली। निम्नलिखित की फिल्म में अव्वल वरुवाला और उन्हें दाथिल की एनआई केडुथेल में भी सफल रही। बाद में कार्तिक के साथ एक की अर्थिदी की भूमिका में अर्जित की विशेषता थी उड़ोडू की उड़ग्रागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया। 1998 में रिलीज हुई इनकी अन्य 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंग्लिश की 2012 के सेट पर कुमार और अभिनेत्री त्रिदेवी रमेश खन्ना की छोटा राम और सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा अनिथेरी की मालविका के सामने बड़े की सफलताओं की एक ही श्रृंखला के लिए टोन सेट किया। एस जे की सूर्या की थ्रिलर वाली की, जिसने पहली बार सिमरन के साथ अर्जित को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, उस समय की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म एक की मुरु की बागी भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजरें गड़ाए जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें अर्जित के 2 भाइयों को चित्रा ने उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा अर्जित को भाइयों को चित्रण के भी प्रशंसा की गई। आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म की एक त्वरिता की क्लासिक की थी,
जिसमें अरिजीत ने दिखाया कि वह एक ही प्रतिभाशाली की अभिनेता है। नाटक में ने लिखी दो भूमिका में आनंद पुंगरेते और निवीरवाई एना में भी उनके चित्रण के लिए अरिजीत की प्रशंसा की गई। 9 सौ बदी से पहले ही उनकी अंतिम फिल्म की अमर क्लांग थी, जिसका निर्देशन शरण ने किया था और इसमें शालिनी थी, जिसने उन्हें फिल्म की तुरंत बाद शादी कर ली थी। अमर कलाम ने एक अपेक्षित की बच्चे की कहानी सुनाई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेहा की भावनाओं को दिखाने में असफल रहा। इस प्रक्रिया में एक ही गैंगस्टर बन गया, जिसमें अरिजीत के दूषित की चतरित के चित्रण की आलोचना ने सराहना की। उनकी अगली मुगवारी की उन्हें ही वैसायिक और की आलोचनात्मक की प्रशंसा दिलाई। फिल्म की एक ही संघर्षण की संगीतार के जीवन की ईद की गिर्द घूमती है, जिसे अपनी करियर में आगे बढ़ाने के लिए बलिदानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दोहरे अंत थे, एक अरिजीत ने अपने करियर में असफल सफल होने के साथ दूसरा अरिजीत के साथ अरिजीत की प्रशंसा को रेडी को आलोचकों के साथ फिर से प्रशंसा मिली। उन्होंने दावा किया कि अरिजीत की असली विजेता है। फिल्म की पटकथा के साथ एक संकेत देते हुए कि साथ ही कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि अरिजीत एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुआ है। वह शानदार ढंग से चित्रण करता है कमजोर और उदास की त्रिगम व राजीव मेनन की द्वारा निर्देशित ए आर की रहमान की 2020 की संगीतमय की कर्दू मोदेन की कर्दू कोटेन में भी दिखाई दिए। फिल्म में अरिजीत प्रमुख की अभिनेता मामूटी और अभिनेत्रियों को ऐत्रेय राय की तब्बू और त्रिविगा के साथ थे। अपनी पिछली फिल्म के समान भूमिका में अरिजीत ने एक संघर्षरत फिल्म की निर्देशन की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ एक ही उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना कर रहा था। इस जोड़ी की सर्वसम्मति से उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की गई थी। 1999 में स्थिति 6 हिट देने के बाद और 2020 में मुगवारी और कुडुकोडेन की सफलता के बाद अरिजीत ने सिमरन की सौ अभिनीत उनाई कुडु एनाई थारुवेन की एक सफल फिल्म की। 2001 में अरिजीत 3 की व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। लैला और सुरेश की गोपी की सौ अभिनीत धीना पोंगली में रिलीज हुई और एक ही एक्शन हीरो के रूप में अरिजीत की एक ही नई छवि शुरुआत हुई जो आज जनता को पसंद आएगी। उन्होंने इस फिल्म की अपनाम की थला लीडर की अरिजीत किया। उसी वर्ष उन्हें नंदा में एक ही भूमिका की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह अभिनेता शिव कुमार से सबसे बड़े बेटे सूर्या ने ले ली। उनकी अगली फिल्म बहुत ही परिचित थ्रिलर स्टीजंट की, जिसमें उन्हें 10 अलग अलग गेट ऑफ में चित्रित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर एक ही व्यवसायी की सफलता बन गई। पारिवारिक नाटक में एक की भूमिका पुरुवेलन में उन वसम ने जयोतिका के साथ काम किया और तमिलनाडु की राजा के एक ही विशेष सौतेज अभिनेता का प्रसार अर्जित करते हुए व्यावसायिक और समीक्षकों की द्वारा सफल रही। वर्ष के अंत तक की संतोष सिवानी की हिंदी परियोजना की अशोक में हुआ, जिसमें अर्जित ने विरोधी की भूमिका निभाई जिससे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2002 में अरिजीत ने 3 फिल्मों में दिखाई दिए, पहली दो रेड और राजा बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही। पूर्व में एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि का निर्माण किया। केएस राजकुमार के द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म विलेन की अरिजीत को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, एक ही मानसिक के रूप से विकलांग की व्यक्ति के रूप में और दूसरी की देखभाल करने के भाई के रूप में फिल्म की सफल रही और उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सौतेज तमिल की अभिनेता पुरस्कार मिला। 2003 से 2005 तक अरिजीत मोटर रेसिंग में अपने करियर की अधिक प्रमुख होने के कारण कम फिल्मों में दिखाई दिए।
2003 में उनकी लंबे समय में विलंबित की एनाई ठलक की वीरूवाला और पुलिस नाटक अंजनेय की रिलीज देखी गई, दोनों व्यावसायिक रूप से विफल रही। उसकी आवेदी में 3 सफल फिल्में में अर्थान सामी, काका के काका और गंजनी की विभिन्न कर्णों से अभिनीत की द्वारा ठुकराई दी गई। उनकी अगली फिल्म की स्नेहा के साथ जाना भी एक बड़ी विफलता बन गई। सारण फिल्म की आगासम के साथ इसकी आवेदी में उनकी एक मात्रा हिट रही। फिल्म में अरिजीत ने दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें एक की गीत थाला दीपावली था, जिसे उनकी एक्शन छवि को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। 2005 में लीगु स्वामी की फिल्म जी की विफलता सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने एक मजबूत शुरुआत लेने के बावजूद अजीत ने अपनी छवि को फिर से काम करने के लिए अभिनय से त्रिविक्रम की 2003 और 2005 के बीच रिलीज हुई 5 फिल्मों से उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस पर हिट की आगासम थी। 2006 और दौरान के अरिजीत ने अंतराल से पी की वसु के परमेशिवन में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए 20 किलोग्राम वजन कम किया। फिल्म को मध्यम सफलता मिली। उसने विजय की आठी पर स्कोर किया, जो उसी सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। द हिंदू के लिए आलोचकों ने कहा कि अरिजीत फिल्म में ट्रिम और तना हुआ लग रहा था, केवल उनकी आंखों ने अपनी कुछ चमक खो दी थी। बड़े वजन घटाने के बाद इसके अलावा 2006 में परमशिवन और उनकी 2 अन्य परियोजनाओं के लिए अरिजीत ने लंबे बालों का एक्सपोर्ट किया, जिसे बाल की प्रोजेक्ट नाना का दुअल के लिए उगाया जा रहा था, जिसे अंत अरिजीत ने बाहर कर दिया। इसी तरह पिरारासु की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म की एवीएम पुटकोसन थिरुपति ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार से ऊपर प्रदर्शन किया। खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद रेडिफ अरोज को कहा हवाला देते हुए, फिल्म की कुछ भी लेकिन समझदार है, लेकिन अरिजीत ने सिस्ती को बचाया कि एक की उत्साहित प्रदर्शन अरिजीत ने अपनी लंबे समय से विलंबित की फिल्म की वरलारू की रिलीज के साथ एक की सफल वापसी की, जो उनकी पहले सबसे बड़ी सफलता बन गई। असीन के 100 अभिनीत की एस की रवि कुमार फिल्म ने अरिजीत को 3 भूमिका में चित्रित किया, जिसमें एक की शास्त्रीय नर्तक की भूमिका भी शामिल थी, जिसमें उनकी चित्रण के समीक्षकों की द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा फिल्म ने अरिजीत को अपना 3रा फिल्मफेयर 33 अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। 2007 में मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभिनेता शंकर के साथ एक परियोजना करेंगे। 2007 में अरिजीत की पहली रिलीज अलवर बॉक्स ऑफिस पर एक ही पराजय की बन गई। उनकी पिछली फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही यहाँ तक कहता है, लेकिन बात उतार नहीं करती। गुंडों से लड़ने के बाद थुकू दुरई अपने खेत को अपनी चावल मिल की स्थानांतरित कर देता है। निर्जना को थुकू दुरई के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देता है, जिससे वह कुछ विचार करने के बाद स्वीकार करता है। वे शादी कर लेते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निर्जना थुकुदुरई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्दी वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल की कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे उसने थुकुदुरई के लिए मना कर दिया। उनकी बेटी श्वेता के जन्म बाद थुकुदुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में नहीं लाने का वादा मिलाने के बाद निर्जना शहर से बाहर चल जाता है। स्टेशन से उसे लेने के लिए रास्ते में बदलना लेने के लिए इंतजार कर रहे अयोध्यापन थुकुदुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकुदुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी। आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है,
जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स के सीईओ है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है और हर चीज़ में पहले ही स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही सम्मान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लिमेसेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे डोर जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया, जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन इस प्रक्रिया में लवराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रीति क्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अर्जित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिन्हित किया। एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की हाउसिंग की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंत की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था।
मुख्य लेख की विश्वासन धवनी की सांडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है जो अर्जित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जंगमाला के रूप में डब किया गया था। फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकारियों के नेटवर्क को भेजी गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म के द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु ने 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले दिन में कुल 25 से 4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 33 से 50 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 1 से 80 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ की मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन के वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का। फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सिक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों की सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रशंसकों को सपोर्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों को साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं, वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरण अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अर्जित और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं जिसमें इसके मूछे है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटर ने 35 का मूल्यांकन दिया जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है, परिवारों के लिए अर्जित कंबो है। अर्जित कंबो का भावनात्मक की पोंगल उपचार अभिनेता थुकु दुरई के रूप में सुपर ऊर्जावन दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए की एक पक्का परिवारी की मनोरंजन है, जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया।
जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अर्जित और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया था कि विवेगम में पूर्व यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को वापस तमिल में लाती है नाटू, और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए साथ की समस्या यह है कि यह अर्जित स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का, जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं। डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अर्जित कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम की पलक्कड़ के केरल से है और उनकी मां मोहिनी कोलकाता की पश्चिम बंगाल से सीधी है। अर्जित 3 भाइयों में से मगयम की पुत्र थे। अनय अनूप की कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक मद्रास की स्नातक उगामी थे। अर्जित ने अपनी उच्च की मध्यमी की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले 10वीं कक्षा करने के आसान मेमोरियल की सीनियर की सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया। एनफील्ड की कंपनी के साथ काम करने वाले को एक परिवारी की मित्र के माध्यम से अर्जित एक की प्रसिंजु के रूप में नौकरी पाने में सक्षम था और मौकेनी की बनाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्होंने अपने पिता को अंग्राई पर भूमिका छोड़ दी, जो चाहते थे कि अर्जित एक की सफेद पोस्ट नौकरी करे और एक की प्रसिंजु के रूप में एक की अन्य परिवार की मित्र की परिधान निर्यातक कंपनी में शामिल हो गए। वह अंत की एक ही व्यवसायी की विकसाकर बनाने के लिए आगे बढ़ा और अपने अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार करते हुए नियमित के रूप से बिक्री किराए पर पूरे देश में यात्रा की। भूमिका के इस्तीफा देने के बाद अर्जित ने 3 अन्य भागीदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक का कपड़ा व्यवसायी की स्थापित किया। अर्जित को वस्त्र उद्योग में एक की और नौकरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापार उगम ने खराब प्रदर्शन किया। इस आवेदी के दौरान अर्जित ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग की असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। हर कयूलिस की साइकिलिंग एंड मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी के त्रिराम की धारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई, जिन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अभिनेता बनाने की उपस्थिति है। अर्जित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एन विदु एन की कनावर के 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में एक की दूसरी में की थी। एसपी के बालसुब्रमण्यन की सिफारिश के माध्यम से, जिसका बेटा अर्जित का सहपाठी था, उसे तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेमा पुस्तकम की 1993 में उनकी पहली मुख्य भूमिका लिया गया, जो उनकी अब तक की एकमात्र तेलुगु फिल्म बनी हुई है। हालांकि फिल्म की निर्देशन गोलपुरी की त्रिनिवास की मूर्तियों को बाद निर्माण शुरू होने तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। नतीजतन की उनकी पहली बड़ी नाटकीय रिलीज की तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरावती की 1993 थी, जिसे अर्जित ने बालसुब्रमण्यम की द्वारा निर्देशित सेल्वा से सिफारिश किए जाने के बाद साइन किया गया था।
जिन्होंने उसके विकलांग के से पहले ही प्रेमा पुस्तकम के कुछ हिस्से को देखा था। जैसे ही फिल्म की पोस्टर की पोस्ट पुष्कर्षण में चली गई, अर्जित की एक ही सहयोगी मोटर रेस के लिए प्रेशन के दौरान रेसिंग चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी तीन बड़ी सर्जरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ही डेढ़ साल तक की बिस्तर पर आराम मिला। नतीजतन की फिल्म उनकी आवाज़ को अभिनेता विक्रम ने डॉब किया था। चोट के बाद अर्जित खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छुक थे और उन्हें सहायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। बाद के वर्षों में उन्होंने अरविंद की स्वामी स्टार की पाशा मलागल की 1994 और विजय स्टार की राजविंद परवेले की 1995 में चित्रित भूमिका निभाई। उन्हें परिवारी की नाटक पवित्र 1994 में भी देखा गया था, जिसमें उन्हें एक बीमार रोगी के रूप में राधिका से मृत्यु सनेहा दिखाया गया था। मुख्य अभिनेता के रूप में अर्जित की पहली व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म आशाई 1995 से सफल फिल्म की आशाई, वसंत की द्वारा निर्देशित और मणिरत्नम की द्वारा निर्मित फिल्म में उन्हें सुवालक्ष्मी के साथ मुख्य भूमिका में दिखाया गया था, जिसका साल उसके बारे में मोहित ही हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जित को तमिल फिल्म के उद्योग में एक आगामी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने प्रशांत के और पूजा भट्ट की सह कलाकार कालूरी वासल में मुख्य भूमिका निभाई। अर्जित की दूसरी सफल फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कथल की कोटोई के रूप में आई, जिसमें अर्जित ने पहले प्रोजेक्ट की वानमती के निर्देशन अख्तियान के साथ स्वपूर्णी उन्मिलन किया। फिल्म की कदल की कोटोई ने उन्हें देवयानी के साथ जोड़, जिसमें हीरा राजगोपाल ने सहायक की भूमिका निभाई। 1997 में अर्जित 5 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी परियोजना व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फिल्म की वितरण की व्यवसायिक में प्रवेश किया था और परिणाम स्वरूप में उन्हें नुकसान हुआ था। इस अवधि को क्रूर के समय बताते हुए अजीत को भी पुरानी पीठ की चोट लग रही है और उनकी कई अन्य फिल्म की प्रतिबद्धताओं में देरी हुई। 5 फिल्मों में एक की उल्लेखनीय परियोजना अमिताभ की बचपन की तमिल पुटकसन उलासम की 1997 में, जिसमें उन्हें पहली बार 2 मिलियन 2020 में 93 मिलियन का US के बराबर का उच्चन की वेतन दिया गया था। अर्जित ने 1998 में सारंग की कादल की मरनान में एक ही और बड़ी सफल की परियोजना के साथ वापसी की, जो एक ही एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने प्रशंसकों की बढ़ती संख्या की नींव रखी। उन्होंने वास्तव की नेरु ककू नेर में भी अभिनय करना शुरू किया और बाद में उनकी जगह सूर्या ने ले ली। निन्न लिखित की फिल्म में अव्वल वरुवाला और उन्हें दाथिल की एनआई केडुथेल में भी सफल रही। बाद में कार्तिक के साथ एक ही अर्थीदी की भूमिका में अर्जित की विशेषता थी उड़ोडू की उड़ग्रागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया। 1998 में रिलीज हुई इनकी अन्य 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंग्लिश की 2012 के सेट पर कुमार और अभिनेत्री त्रिदेवी रमेश खन्ना की ठोडाराम और सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा अनिथेरी की मालविका के सामने बड़े की सफलताओं की एक ही श्रृंखला के लिए टोन सेट किया। एस जे की सूर्या की थ्रिलर वाली की, जिसने पहली बार सिमरन के साथ अर्जित को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, उस समय की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म एक की मुरुख की बागी भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजरें गड़ाए जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें अर्जित के 2 भाइयों को चित्रा ने उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा अर्जित को भाइयों को चित्रण के भी प्रशंसा की गई। आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म की एक त्वरिता की क्लासिक की थी,
जिसमें अरिजीत ने दिखाया कि वह एक ही प्रतिभाशाली की अभिनेता है। नाटक में ने लिखित दो भूमिका में आनंद पुंगरेते और निवीरवाई एना में भी उनके चित्रण के लिए अरिजीत की प्रशंसा की गई। नौशाबदी से पहले ही उनकी अंतिम फिल्म की अमर क्लांग थी, जिसका निर्देशन शरण ने किया था और इसमें शालिनी थी, जिसने उन्हें फिल्म की तुरंत बाद शादी कर ली थी। अमर कलाम ने एक अपेक्षित की बच्चे की कहानी सुनाई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेहा की भावनाओं को दिखाने में असफल रहा। इस प्रक्रिया में एक ही गैंगस्टर बन गया, जिसमें अरिजीत के दूषित की चतुर्थ के चित्रण की आलोचना ने सराहना की। उनकी अगली मुखवाणी की उन्हें ही व्यावसायिक और की आलोचनात्मक की प्रशंसा दिलाई। फिल्म के एक ही संघर्षन के संगीतकार के जीवन की ईद की गिरदा घूमती है, जिस अपनी करियर में आगे बढ़ाने के लिए बलिदानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दोहरे अंत थे, एक अरिजीत ने अपने करियर में असफल सफल होने के साथ दूसरा अरिजीत के साथ अरिजीत की प्रशंसा को रेडी को आलोचकों के साथ फिर से प्रशंसा मिली। उन्होंने दावा किया कि अरिजीत की असली विजेता है। फिल्म की पटकथा के साथ एक संकेत देते हुए कि साथ ही कहा कि यह देखना आयोजनक है कि अरिजीत एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुआ है। वह शानदार ढंग से चित्रित करता है कमजोर और उदास की त्रिगव व राजीव मेनन की द्वारा निर्देशित ए आर की रहमान की 2020 की संगीतमय की करदू मोदेन की करदू कोटेन में भी दिखाई दिए। फिल्म में अरिजीत प्रमुख की अभिनेता मामूटी और अभिनेत्रियों को ऐत्रेया राय की तब्बू और त्रिविगा के साथ थे। अपनी पिछली फिल्म के समान भूमिका में अरिजीत ने एक संघर्षरत फिल्म की निर्देशन की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ एक ही उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना कर रहा था। इस जोड़ी की सर्वसम्मति से उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की गई थी। 1999 में सीती 6 हिट देने के बाद और 2020 में मुगलवारी और कुडुकोडेन की सफलता के बाद अरिजीत ने सिमरन की सौ अभिनीत उनाई कुडु एनाई थिर थारुवेन की एक सफल फिल्म की। 2001 में अरिजीत 3 की व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। लैला और सुरेश की गोपी की सौ अभिनीत धीना पोंगली में रिलीज हुई और एक की एक्शन हीरो के रूप में अरिजीत की एक ही नई छवि शुरुआत हुई जो आज जनता को पसंद आएगी। उन्होंने इस फिल्म की अपनाम की थला लीडर की अर्जित किया। उसी वर्ष उन्हें नंदा में एक की भूमिका की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह अभिनेता शिव कुमार से सबसे बड़े बेटे सूर्या ने ले ली। उनकी अगली फिल्म बहुत ही परिचित थ्रिलर स्टीजंट की, जिसमें उन्हें 10 अलग अलग गेट ऑफ में चित्रित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर एक की व्यवसायिक की सफलता बन गई। पारिवारिक नाटक में एक की भूमिका पुरुवेलन में उन वसम ने जयोतिका के साथ काम किया और तमिलनाडु की राजा के एक ही विशेष सौतेज अभिनेता का प्रसार अर्जित करते हुए व्यावसायिक और समीक्षकों की द्वारा सफल रही। वर्ष के अंत तक की संतोष सिवानी की हिंदी परियोजना की अशोक में हुआ, जिसमें अर्जित ने विरोधी की भूमिका निभाई जिससे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2002 में अरिजीत ने 3 फिल्मों में दिखाई दिए, पहली दो रेड और राजा बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही। पूर्व में एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि का निर्माण किया। केएस राघवी कुमार के द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म विलेन की अरिजीत को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, एक ही मानसिक के रूप से विकलांग की व्यक्ति के रूप में और दूसरी की देखभाल करने के भाई के रूप में फिल्म की सफल रही और उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सौतेज तमिल की अभिनेता पुरस्कार मिला। 2003 से
2005 तक अर्जित मोटर रेसिंग में अपने करियर की अधिक प्रमुख होने के कारण कम फिल्मों में दिखाई दिए। 2003 में उनकी लंबे समय में विलंबित की एनाई ठलक की वीरूवाला और पुलिस नाटक अंजनेय की रिलीज देखी गई, दोनों व्यावसायिक रूप से विफल रही। उसकी आवेदी में 3 सफल फिल्में में अर्थान सामी काका के काका और गंजनी की विभिन्न कर्णों से अभिनीत की धारा ठुकराई दी गई। उनकी अगली फिल्म की स्नेहा के साथ जाना भी एक बड़ी विफलता बन गई। सारण फिल्म की आगासम के साथ इसकी आवेदी में उनकी एक हिट रही। फिल्म में अरिजीत ने दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें एक की गीत थाला दीपावली था, जिसे उनकी एक्शन छवि को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। 2005 में लीगू स्वामी की फिल्म जी की विफलता सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने एक मजबूत शुरुआत लेने के बावजूद अरिजीत ने अपनी छवि को फिर से काम करने के लिए अभिनय से त्रिविक्रम की 2003 और 2005 के बीच रिलीज हुई 5 फिल्मों से उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस पर हिट की आगासम थी। 2006 और दौरान के अरिजीत ने अंतराल से पी की वसु के परमेशिवन में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए 20 किलोग्राम वजन कम किया। फिल्म को मध्यम सफलता मिली। उसने विजय की आठी पर स्कोर किया, जो उसी सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। द हिंदू के लिए आलोचकों ने कहा कि अरिजीत फिल्म में ट्रिम और तना हुआ लग रहा था, केवल उनकी आंखों ने अपनी कुछ चमक खो दी थी। बड़े वजन घटाने के बाद इसके अलावा 2006 में परमशिवन और उनकी 2 अन्य परियोजनाओं के लिए अरिजीत ने लंबे बालों का एक्सपोर्ट किया, जिसे बाल की प्रोजेक्ट नाना कदुअल के लिए उगाया जा रहा था, जिसे अंत अरिजीत ने बाहर कर दिया। इसी तरह पिरारासु की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म की एवीएम पुटकोसन थिरुपति ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार से ऊपर प्रदर्शन किया। खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद रेडिफ और उसको कहा हवाला देते हुए फिल्म की कुछ भी लेकिन समझदार है, लेकिन अरिजीत ने सिस्ती को बचाया कि एक की उत्साहित प्रदर्शन अरिजीत ने अपने लंबे समय से विलंबित की फिल्म की वरलारू की रिलीज के साथ एक की सफल वापसी की, जो उनकी पहले सबसे बड़ी सफलता बन गई। असीन के 100 अभिनीत की एस की रवि कुमार फिल्म ने अरिजीत को 3 भूमिका में चित्रित किया, जिसमें एक की शास्त्रीय नर्तक की भूमिका भी शामिल थी, जिसमें उनके चित्रण के समीक्षकों की द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा फिल्म ने अरिजीत को अपना 3रा फिल्म फेयर 33 अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। 2007 में मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभिनेता शंकर के साथ एक परियोजना करेंगे। 2007 में अरिजीत की पहली रिलीज अलवर बॉक्स ऑफिस पर एक ही पराजय की बन गई। उनकी पिछली फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही, यहाँ तक कि तान नहीं करती। गुंडू उसके खिलाफ मामला दर्ज करता है। जब तुकु दुरई निर्जना को देखते तो वह तुरंत उसके लिए गिर जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन बाद में उसे रिहा करने के लिए कि मजबूर किया जाता है। जब अवैद्यपायन ने उसके चिकित्सा की सीवार को बंद करने की धमकी दी, जब तक कि वह उसे भुगतान नहीं करती। गुंडों से लड़ने के बाद थुकुदुरई अपने खेत को अपनी चावल मिल की स्थानांतरित कर देता है। निर्जना को थुकुदुरई के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देता है, जिससे वह कुछ विचार करने के बाद स्वीकार करता है। वे शादी कर लेते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निर्जना थुकुदुरई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्दी वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल की कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे उसने थुकुदुरई के लिए मना कर दिया। उनकी बेटी श्वेता के जन्म बाद थुकुदुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में नहीं लाने का वादा मिलाने के बाद निर्जना शहर से बाहर चल जाता है। स्टेशन से उसे लेने के लिए रास्ते में बदलना लेने के लिए इंतजार कर रहे अयोध्यापन थुकुदुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकुदुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी।
आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स के CIO है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है और हर चीज़ में पहले ही स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही सम्मान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लिमेसेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे डोर जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है, इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में लवराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रीति क्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अर्जित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिह्नित किया।
एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की हाउसिंग के हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंत की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था। मुख्य लेख की विश्वासन धवानी के सांडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है, जो अर्जित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बालियन फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जंगमाला के रूप में डब किया गया था। फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट के अधिकारियों की नेटवर्क को भेजे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म के द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले दिन में कुल 25 से 4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 33 से 50 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन के वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का। फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सिक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों की सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है, वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों को साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं, वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरन अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अर्जित और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं, जिसमें इसके मूछे है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटर ने 35 का मूल्यांकन दिया, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है, परिवारों के लिए अर्जित कंबो है
अर्जित काम्बो का भावनात्मक की पोंगल उपचार अभिनेता थुकु दुरई के रूप में सुपर ऊर्जावना दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए की एक पक्का परिवारी की मनोरंजन है। जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अर्जित और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया था कि विवेगम में प्रू यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अर्जित को वापस तमिल में लाती है। नाटू और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए 7 की समस्या यह है कि यह अर्जित स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का, जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं। डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अर्जित कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम की पलक्कड़ के केरल से है और उनकी मां मोहिनी कोलकाता की पश्चिम बंगाल से सीधी है। अर्जित 3 भाइयों में से मगयम की पुत्र थे। अनय अनूप की कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक मद्रास की सनात उगामी थे। अर्जित ने अपनी उच्च की मध्यमी की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले 10वीं कक्षा करने के आसान मेमोरियल की सीनियर की सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया। एनफील की कंपनी के साथ काम करने वाले को एक परिवारी की मित्र के माध्यम से अर्जित एक की प्रसिद्धि के रूप में नौकरी पाने में सक्षम था और मौकेनी की बनाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्होंने अपने पिता को अंग्राई पर भूमिका छोड़ दी, जो चाहते थे कि अर्जित एक की सफेद पोश नौकरी करे और एक की प्रसिद्धि के रूप में एक की अन्य परिवारी की मित्र की परिधान निर्यातक कंपनी में शामिल हो गए। वह अंत की एक ही व्यवसायी की विकसाकर बनाने के लिए आगे बढ़ा और अपनी अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार करते हुए नियमित के रूप से बिक्री किराए पर पूरे देश में यात्रा की। भूमिका के इस्तीफा देने के बाद अर्जित ने 3 अन्य भागीदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक का कपड़ा व्यवसायी की स्थापित किया। अर्जित को वस्त्र उद्योग में एक की और नौकरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापार उगम ने खराब प्रदर्शन किया। इस आवेरी के दौरान अर्जित ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग की असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। हर कयूलिस की साइकिलिंग एंड मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी के त्रिराम की धारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई, जिन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अभिनेता बनाने की उपस्थिति है। अर्जित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एन विदु एन की कनावर के 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में एक की दोस्तियों में की थी। एसपी के ब्लास सुब्रमण्यन की सिफारिश की माध्यम से, जिसका बेटा अर्जित का सहपाठी था, उसे तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेमा पुस्तकम की 1993 में उनकी पहली मुख्य भूमिका लिया।
लिया गया जो उनकी अब तक की एकमात्र तेलुगु फिल्म बनी हुई है। हालांकि फिल्म की निर्देशन गोलपुरी की त्रिनिवास की मूर्तियों को बार निर्माण शुरू होने तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। नतीजतन की उनकी पहली बड़ी नाटकीय रिलीज की तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरावती की 1993 थी, जिसे अजीत ने ब्लाउ सुब्रमण्यम की द्वारा निर्देशित सेलवा से सिफारिश किए जाने के बाद साइन किया गया था, जिन्होंने उसके विक्लम के से पहले ही प्रेमा पुस्तकम के कुछ हिस्से को देखा था। जैसे ही फिल्म की पोस्टर की पोस्ट पुष्कर्षण में चली गई, अर्जित की एक ही सहकुयों की मोटर रेस के लिए प्रेशन के दौरान रेसिंग चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी 3 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ही 1.5 साल तक की बिस्तर पर आराम मिला। नतीजतन की फिल्म उनकी आवाज़ को अभिनेता विक्रम ने डॉब किया था। चोट के बाद अर्जित खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छुक थे और उन्हें सहायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। बाद के वर्षों में उन्होंने अरविंद की स्वामी स्टार की पाशा मलागल की 1994 और विजय स्टार की राजविंद परवेले की 1995 में चित्रित भूमिका निभाई। उन्हें परिवारी की नाटक पवित्र 1994 में भी देखा गया था, जिसमें उन्हें एक बीमार रोगी के रूप में राधिका से मृत्यु सनेहा दिखाया गया था। मुख्य अभिनेता के रूप में अर्जित की पहली व्यवसायिक के रूप से सफल फिल्म आशाई 1995 से सफल फिल्म की आशाई वसंत की द्वारा निर्देशित और मणिरत्नम की द्वारा निर्मित फिल्म में उन्हें सुवालक्ष्मी के साथ मुख्य भूमिका में दिखाया गया था, जिसका साल उसके बारे में मोहित ही हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जित को तमिल फिल्म के उद्योग में एक आगामी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने प्रशांत के और पूजा भट्ट की सह कलाकार कालूरी वासल में मुख्य भूमिका निभाई। अर्जित की दूसरी सफल फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कथल की कोटोई के रूप में आई, जिसमें अर्जित ने पहले प्रोजेक्ट की वानमती के निर्देशन अक्थियान के साथ स्वपूर्णी उन्मिलन किया। फिल्म की कदल की कोटोई ने उन्हें देवयानी के साथ जोड़, जिसमें हीरा राजगोपाल ने सहायक की भूमिका निभाई। 1997 में अर्जित 5 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी परियोजना व्यवसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फिल्म की वितरण की व्यवसायिक में प्रवेश किया था और परिणामस्वरूप में उन्हें नुकसान हुआ था। इस अवधि को क्रूर के समय बताते हुए अजीत को भी पुरानी पीठ की चोट लग रही है और उनकी कई अन्य फिल्म की प्रतिबद्धताओं में देरी हुई। 5 फिल्मों में एक की उल्लेखनीय परियोजना अमिताभ की बचपन की तमिल पुटकसन उलासन की 1997 में, जिसमें उन्हें पहली बार 2 मिलियन 2020 में 93 मिलियन का US के बराबर का उच्चन की वेतन दिया गया था। अर्जित ने 1998 में सारंग की कादल की मरनान में एक ही और बड़ी सफल की परियोजना के साथ वापसी की, जो एक ही एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने प्रशंसकों की बढ़ती संख्या की नींव रखी। उन्होंने वास्तव की नेरू ककू नेर में भी अभिनय करना शुरू किया और बाद में उनकी जगह सूर्या ने ले ली। निन्न लिखित की फिल्म में अव्वल वरुवाला और उन्हें दाथिल की एनआई केडुथेन में भी सफल रही। बाद में कार्तिक के साथ एक ही अर्थीदी की भूमिका में अर्जित की विशेषता थी उड़ोडू की उड़ग्रागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया। 1998 में रिलीज हुई इनकी अन्य 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंग्लिश की 2012 के सेट पर कुमार और अभिनेत्री त्रिदेवी रमेश खन्ना की ठोडाराम और सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा अनिथेरी की मालविका के सामने बड़े की सफलताओं की एक ही श्रृंखला के लिए टोन सेट किया। एस जे की सूर्य की थ्रिलर वाली की, जिसने पहली बार सिमरन के साथ
अरिजीत को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, उस समय की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म एक की मुरुख की बागी भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजरें गड़ाए जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें अरिजीत के दो भाइयों को चित्रा ने उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा अरिजीत को भाइयों को चित्रण के भी प्रशंसा की गई। आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म की एकता और रीता की क्लासिक की थी, जिसमें अरिजीत ने दिखाया कि वह एक ही प्रतिभाशाली की अभिनेता है। नाटक फिल्म ने लिखित दो भूमिका में आनंद पुंगरेते और निवेवई एना में भी उनके चित्रण के लिए अरिजीत की प्रशंसा की गई। 9 सौ बदी से पहले ही उनकी अंतिम फिल्म की अमर क्लांग थी, जिसका निर्देशन शरण ने किया था और इसमें शालिनी थी, जिसने उन्हें फिल्म की तुरंत बाद शादी कर ली थी। अमर कलाम ने एक अपेक्षित की बच्चे की कहानी सुनाई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेहा की भावनाओं को दिखाने में असफल रहा। इस प्रक्रिया में एक ही गैंगस्टर बन गया, जिसमें अरिजीत के दूषित की चतुर्थ के चित्रण की आलोचना ने सराहना की। उनकी अगली मुगवारी की उन्हें ही वैसायिक और की आलोचनात्मक की प्रशंसा दिलाई। फिल्म की एक ही संघर्षन के संगीतार के जीवन की ईद की गिरदा घूमती है, जिस अपनी करियर में आगे बढ़ाने के लिए बलिदानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दोहरे अंत थे, एक अरिजीत ने अपने करियर में असफल सफल होने के साथ दूसरा अरिजीत के साथ अरिजीत की प्रशंसा को रेडी को आलोचकों के साथ फिर से प्रशंसा मिली। उन्होंने दावा किया कि अरिजीत की असली विजेता है। फिल्म की पटकथा के साथ एक संकेत देते हुए कि साथ ही कहा कि यह देखना आयोजनक है कि अरिजीत एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुआ है। वह शानदार ढंग से चित्रण करता है कमजोर और उदास की त्रिगम व राजीव मेनन की द्वारा निर्देशित ए आर की रहमान की 2020 की संगीतमय की करदू मोदेन की करदू कोटेन में भी दिखाई दिए। फिल्म में अरिजीत प्रमुख की अभिनेता मामूटी और अभिनेत्रियों को ऐत्रेया राय की तब्बू और त्रिविगा के साथ थे। अपनी पिछली फिल्म के समान भूमिका में अरिजीत ने एक संघर्षरत फिल्म की निर्देशन की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ एक ही उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना कर रहा था। इस जोड़ी की सर्वसम्मति से उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की गई थी। 1999 में सीती 6 हिट देने के बाद और 2020 में मुगलवारी और कुडू कोडेन की सफलता के बाद अरिजीत ने सिमरन की सौ अभिनीत उनाई कुडू एनाई थिर थारुवेन की एक सफल फिल्म की। 2001 में अरिजीत 3 की व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। लैला और सुरेश की गोपी की सौ अभिनीत धीना पोंगली में रिलीज हुई और एक की एक्शन हीरो के रूप में अरिजीत की एक ही नई छवि शुरुआत हुई जो आज जनता को पसंद आएगी। उन्होंने इस फिल्म की अपनाम की थला लीडर की अर्जित किया। उसी वर्ष उन्हें नंदा में एक की भूमिका की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह अभिनेता शिव कुमार से सबसे बड़े बेटे सूर्या ने ले ली। उनकी अगली फिल्म बहुत ही परिचित थ्रिलर स्टीजंट की, जिसमें उन्हें 10 अलग अलग गेट ऑफ में चित्रित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर एक की व्यवसायिक की सफलता बन गई। पारिवारिक नाटक में एक की भूमिका पुरुवेलन में उन वसम ने जयोतिका के साथ काम किया और तमिलनाडु की राजा के एक ही विशेष सौतेज अभिनेता का प्रसार अर्जित करते हुए व्यावसायिक और समीक्षकों की द्वारा सफल रही। वर्ष के अंत तक की संतोष सिवानी की हिंदी परियोजना की अशोक में हुआ, जिसमें अर्जित ने विरोधी की भूमिका निभाई जिससे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2002 में अरिजीत ने 3 फिल्मों में दिखाई दिए, पहली 2 रेड और राजा बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही। पूर्व में एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि का निर्माण किया।
केएस राघवी कुमार के द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म विलेन की अर्जित को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, एक की मानसिक के रूप से विकलांग की व्यक्ति के रूप में और दूसरी की देखभाल करने के भाई के रूप में फिल्म की सफल रही और उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सौतेज तमिल की अभिनेता पुरस्कार मिला। 2003 से 2005 तक अर्जित मोटर रेसिंग में अपने करियर की अधिक प्रमुख होने के कारण कम फिल्मों में दिखाई दिए। 2003 में उनकी लंबे समय में विलंबित की एनाई ठलक की वीरूवाला और पुलिस नाटक अंजनय की रिलीज देखी गई, दोनों व्यावसायिक रूप से विफल रही। उसकी आवेदी में तीन सफल फिल्में में अर्थान सामी काका के काका और गंजनी की विभिन्न कर्णों से अभिनीत की द्वारा ठुकराई दी गई। उनकी अगली फिल्म की स्नेहा के साथ जाना भी एक बड़ी विफलता बन गई। सारण फिल्म की आगासम के साथ इसकी आवेदी में उनकी एक हिट रही। फिल्म में अर्जित ने दोहरी भूमिका निभाई जिसमें एक की गीत थाला दीपावली था जिसे उनकी एक्शन छवि को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। 2005 में लीगू स्वामी की फिल्म जी की विफलता सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने एक मजबूत शुरुआत लेने के बावजूद अजीत ने अपनी छवि को फिर से काम करने के लिए अभिनय से त्रिविक्रम की 2003 और 2005 के बीच रिलीज हुई पांच फिल्मों से उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस पर हिट की आगासम थी। 2006 और दौरान के अर्जित ने अंतराल से पी की वसु के परमेशिवन में दिखाई दिए जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए 20 किलोग्राम वजन कम किया। फिल्म को मध्यम सफलता मिली, उसने विजय की आठी पर स्कोर किया जो उसी सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। द हिंदू के लिए आलोचकों ने कहा कि अर्जित फिल्म में ट्रिम और तना हुआ लग रहा था, केवल उनकी आंखों ने अपनी कुछ चमक खो दी थी। बड़े वजन घटाने के बाद इसके अलावा 2006 में परमशिवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अर्जित ने लंबे बालों का एक्सपोर्ट किया जिसे बाल की प्रोजेक्ट नाना कदुअल के लिए उगाया जा रहा था जिसे अंत अर्जित ने बाहर कर दिया। इसी तरह पिरारासु की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म की एवीएम पुटकोसन थिरुपति ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार से ऊपर प्रदर्शन किया। खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद रेडिफ और उसको कहा हवाला देते हुए फिल्म की कुछ भी लेकिन समझदार है, लेकिन अर्जित ने सिस्ती को बचाया कि एक की उत्साहित प्रदर्शन अर्जित ने अपने लंबे समय से विलंबित की फिल्म की वरलारू की रिलीज के साथ एक की सफल वापसी की जो उनकी पहले सबसे बड़ी सफलता बन गई। असीन के सौ अभिनीत की एस की रवि कुमार फिल्म ने अर्जित को तीन भूमिका में चित्रित किया जिसमें एक की शास्त्रीय नर्तक की भूमिका भी शामिल थी जिसमें उनके चित्रण के समीक्षकों के द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा फिल्म ने अर्जित को अपना तीसरा फिल्म फेयर सौतेज अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। 2007 में मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभिनेता शंकर के साथ एक परियोजना करेंगे। 2007 में अर्जित की पहली रिलीज अलवर बॉक्स ऑफिस पर एक ही पराजय की बन गई। उनकी पिछली फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही, यहाँ तक कि उसके खिलाफ मामला है, लेकिन बाद में उसे रिहा करने के लिए कि मजबूर किया जाता है। जब अवैद्यपायन ने उसके चिकित्सा की शिवार को बंद करने की धमकी दी जब तक कि वह उसे भुगतान नहीं करती। गुंडों से लड़ने के बाद थुकुदुरई अपने खेत को अपनी चावल मिल की स्थानांतरित कर देता है। निर्जना को थुकुदुरई के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देता है जिसे वह कुछ विचार करने के बाद स्वीकार करता है। वे शादी कर लेते हैं और बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निर्जना थुकुदुरई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्दी वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल की कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे उसने थुकुदुरई के लिए
मना कर दिया। उनकी बेटी श्वेता की जन्म बाद थुकुदुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में नहीं लाने का वादा मिलाने के बाद निर्जना शहर से बाहर चल जाता है। स्टेशन से उसे लेने के लिए रास्ते में बदलना लेने के लिए इंतजार कर रहे अयोध्यापन थुकुदुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकुदुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी। आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स की CIO है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है और हर चीज़ में पहले ही स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही सम्मान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लिमेसेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे डोर जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है, इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में लावराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रीति क्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जोड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में
नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अरिजीत कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिन्हित किया। एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की हाउसिंग की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंत की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था। मुख्य लेख की विश्वासन धवानी की साउंडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है, जो अरिजीत कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जंगमाला के रूप में डब किया गया था। फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट की आधिकारिक की नेटवर्क को भेजे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म्स के द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले ही दिन में कुल 25 से 4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 33 से 50 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ की मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन के वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का। फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सीक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली, लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है, वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रशंसकों को सपोर्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों को साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं, वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरन अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अरिजीत और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं, जिसमें इसकी मूछें है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटवे ने
35 का मूल्यांकन दिया, जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है, परिवारों के लिए अर्जित कंबो है, अर्जित कंबो का भावनात्मक की पोंगल उपचार, अभिनेता थुकु दुरई के रूप में सुपर ऊर्जावना दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए कि एक पक्का परिवारिक की मनोरंजन है, जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अर्जित और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है, हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया था कि विवेगम में प्रू यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अर्जित को वापस तमिल में लाती है नाटू, और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए साथ की समस्या यह है कि यह अर्जित स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का, जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं। डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अर्जित कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम की पलक्कड़ के केरल से है और उनकी मां मोहिनी कोलकाता की पश्चिम बंगाल से सीधी है। अर्जित 3 भाइयों में से मगयम की पुत्र थे। अनय अनूप की कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक मद्रास की स्नातक उगामी थे। अर्जित ने अपनी उच्च की मध्यमिक की स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले 10वीं कक्षा करने के आसान मेमोरियल की सीनियर की सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया। एनफील की कंपनी के साथ काम करने वाले को एक परिवारिक की मित्र के माध्यम से अर्जित एक की प्रतिनिधि के रूप में नौकरी पाने में सक्षम था और मोकनी की बनाने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया। बाद में उन्होंने अपने पिता को अंग्राई पर भूमिका छोड़ दी, जो चाहते थे कि अर्जित एक की सफेद पोस्ट नौकरी करे और एक की प्रतिनिधि के रूप में एक नया की एक की अन्य परिवारी की मित्र की परिधान निर्यातक कंपनी में शामिल हो गए। वह अंत की एक ही व्यवसायी की विकसाकर बनाने के लिए आगे बढ़ा और अपनी अंग्रेजी बोलने की कौशल में सुधार करते हुए नियमित के रूप से बिक्री किराए पर पूरे देश में यात्रा की। भूमिका के इस्तीफा देने के बाद अर्जित ने 3 अन्य भागीदारों के साथ कपड़े का वितरण करने वाला एक का कपड़ा व्यवसायी की स्थापित किया। अर्जित को वस्त्र उद्योग में एक की और नौकरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापार उगम ने खराब प्रदर्शन किया। इस आवेरी के दौरान अर्जित ने अपने काम के साथ साथ मॉडलिंग की असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। हर कयूलिस की साइकिलिंग एंड मोटर कंपनी के लिए एक विज्ञापन के निर्माण के दौरान पीसी के त्रिराम की धारा उनकी विशेष रूप से खोज की गई, जिन्होंने महसूस किया कि उनमें एक अभिनेता बनाने की उपस्थिति है। अर्जित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एन विदु एन की कनावर के 1990 में एक स्कूली बच्चे के रूप में एक की दोषियों में की थी। एसपी के बालसुब्रमण्यन की सिफारिश की माध्यम से, जिसका बेटा अर्जित का सहपाठी था, उसे तेलुगु रोमांटिक ड्रामा प्रेमा पुस्तकम की 1993 में उनकी पहली मुख्य भूमिका लिया
लिया गया जो उनकी अब तक की एकमात्र तेलुगु फिल्म बनी हुई है। हालांकि फिल्म की निर्देशन गोलपुरी की त्रिनिवास की मूर्तियों को बार निर्माण शुरू होने तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। नतीजतन कि उनकी पहली बड़ी नाटकी रिलीज की तमिल रोमांटिक ड्रामा अमरावती की 1993 थी, जिसे अजीत ने ब्लाउज सुब्रमण्यम की द्वारा निर्देशित सेलवा से सिफारिश किए जाने के बाद साइन किया गया था, जिन्होंने उसके विक्रम के से पहले ही प्रेमा पुस्तकम के कुछ हिस्से को देखा था। जैसे ही फिल्म की पोस्टर्स की पोस्ट पुष्कर्षण में चली गई, अर्जित की एक ही सहयोगी की मोटर रेस के लिए प्रेशन के दौरान रेसिंग चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी 3 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ही 1.5 साल तक की बिस्तर पर आराम मिला। नतीजतन की फिल्म उनकी आवाज़ को अभिनेता विक्रम ने डॉब किया था। चोट के बाद अर्जित खोए हुए समय की भरपाई करने की इच्छुक थे और उन्हें सहायक की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। बाद के वर्षों में उन्होंने अरविंद की स्वामी स्टार की पार्श्व मलागल की 1994 और विजय स्टार की राजविन परवेले की 1995 में चित्रित भूमिका निभाई। उन्हें परिवारी की नाटक पवित्र 1994 में भी देखा गया था, जिसमें उन्हें एक बीमार रोगी के रूप में राधिका से मृत्यु सनेहा दिखाया गया था। मुख्य अभिनेता के रूप में अर्जित की पहली व्यवसायी के रूप से सफल फिल्म आशाई 1995 से सफल फिल्म की आशाई वसंत की द्वारा निर्देशित और मणिरत्नम की द्वारा निर्मित फिल्म में उन्हें सुवालक्ष्मी के साथ मुख्य भूमिका में दिखाया गया था, जिसका साल उसके बारे में मोहित ही हो जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जित को तमिल फिल्म के उद्योग में एक आगामी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने प्रशांत के और पूजा भट्ट की सह कलाकार कालूरी वासल में मुख्य भूमिका निभाई। अर्जित की दूसरी सफल फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कथल की कोटोई के रूप में आई, जिसमें अर्जित ने पहले प्रोजेक्ट की वानमती के निर्देशन अक्थियान के साथ सौपूर्णमिलन किया। फिल्म की कदल की कोटोई ने उन्हें देवयानी के साथ जोड़, जिसमें हीरा राजगोपाल ने सहायक की भूमिका निभाई। 1997 में अर्जित 5 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी परियोजना व्यावसायिक के रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फिल्म की वितरण की व्यावसायिक में प्रवेश किया था और परिणामस्वरूप में उन्हें नुकसान हुआ था। इस आवेदी को क्रूर के समय बताते हुए अजीत को भी पुरानी पीठ की चोट लग रही है और उनकी कई अन्य फिल्म की प्रतिबद्धताओं में देरी हुई। 5 फिल्मों में एक की उल्लेखनीय परियोजना अमिताभ की बचपन की तमिल पुटकसन उल्लासम की 1997 में, जिसमें उन्हें पहली बार 2 मिलियन 2020 में 93 मिलियन का US के बराबर का उच्चन की वेतन दिया गया था। अर्जित ने 1998 में सारण की काजल की मरनान में एक ही और बड़ी सफल की परियोजना के साथ वापसी की, जो एक ही एक्शन रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने प्रशंसकों की बढ़ती संख्या की नींव रखी। उन्होंने वास्तव की नेरू ककू नेर में भी अभिनय करना शुरू किया और बाद में उनकी जगह सूर्या ने ले ली। निम्नलिखित की फिल्म में अव्वल वरुवाला और उन्हें दाथिल की एनआई केडुथेल में भी सफल रही। बाद में कार्तिक के साथ एक की अर्थिदी की भूमिका में अर्जित की विशेषता थी उड़ोडू की उड़ग्रागा को छोड़कर, जिसने खराब प्रदर्शन किया। 1998 में रिलीज हुई इनकी अन्य 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंग्लिश की 2012 के सेट पर कुमार और अभिनेत्री त्रिदेवी रमेश खन्ना की ठोडाराम और सुंदर सी रोमांटिक ड्रामा अनिथेरी की मालविका के सामने बड़े की सफलताओं की एक ही श्रृंखला के लिए टोन सेट किया। एस जे की सूर्य की थ्रिलर वाली की, जिसने पहली बार सिमरन के साथ
अरिजीत को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, उस समय की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म एक की मुरु की बाघी भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर नजरें गड़ाए जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें अरिजीत के दो भाइयों को चित्रा ने उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा अरिजीत को भाइयों को चित्रण के भी प्रशंसा की गई। आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म की एक तौरीता की क्लासिक की थी, जिसमें अरिजीत ने दिखाया कि वह एक ही प्रतिभाशाली की अभिनेता है। नाटक फिल्म में ने लिखी दो भूमिका में आनंद पुंगरेते और निवीरवाई एना में भी उनके चित्रण के लिए अरिजीत की प्रशंसा की गई। 9 सौ बदी से पहले ही उनकी अंतिम फिल्म की अमर क्लांग थी, जिसका निर्देशन शरण ने किया था और इसमें शालिनी थी, जिसने उन्हें फिल्म की तुरंत बाद शादी कर ली थी। अमर कलाम ने एक अपेक्षित की बच्चे की कहानी सुनाई जो बड़ा हुआ और प्यार या स्नेहा की भावनाओं को दिखाने में असफल रहा। इस प्रक्रिया में एक ही गैंगस्टर बन गया, जिसमें अरिजीत के दूषित की चतरित के चित्रण की आलोचना ने सराहना की। उनकी अगली मुगवारी की उन्हें ही वैसायिक और की आलोचनात्मक की प्रशंसा दिलाई। फिल्म की एक ही संघर्षण की संगीतार के जीवन की ईद की गिर्द घूमती है, जिसे अपनी करियर में आगे बढ़ाने के लिए बलिदानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दोहरे अंत थे, एक अरिजीत ने अपने करियर में असफल सफल होने के साथ दूसरा अरिजीत के साथ अरिजीत की प्रशंसा को रेडी को आलोचकों के साथ फिर से प्रशंसा मिली। उन्होंने दावा किया कि अरिजीत की असली विजेता है। फिल्म की पटकथा के साथ एक संकेत देते हुए कि साथ ही कहा कि यह देखना आयोजनक है कि अरिजीत एक अभिनेता के रूप में कैसे विकसित हुआ है। वह शानदार ढंग से चित्रण करता है कमजोर और उदास की त्रिगम व राजीव मेनन की द्वारा निर्देशित ए आर की रहमान की 2020 की संगीतमय की कर्दू मोदेन की कर्दू कोटेन में भी दिखाई दिए। फिल्म में अरिजीत प्रमुख की अभिनेता मामूठी और अभिनेत्रियों को ऐत्रेय राय की तब्बू और त्रिविगा के साथ थे। अपनी पिछली फिल्म के समान भूमिका में अरिजीत ने एक संघर्षरत फिल्म की निर्देशन की भूमिका निभाई जो तब्बू के साथ एक ही उतार चढ़ाव वाले रिश्ते का सामना कर रहा था। इस जोड़ी की सर्वसम्मति से उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की गई थी। 1999 में स्थिति 6 हिट देने के बाद और 2020 में मुगलवारी और कुडुकोडेन की सफलता के बाद अरिजीत ने सिमरन की सौ अभिनीत उनाई कुडु एनाई थिर थारुवेन की एक सफल फिल्म की। 2001 में अरिजीत 3 की व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। लैला और सुरेश की गोपी की सौ अभिनीत धीना पोंगली में रिलीज हुई और एक की एक्शन हीरो के रूप में अरिजीत की एक ही नई छवि शुरुआत हुई जो आज जनता को पसंद आएगी। उन्होंने इस फिल्म की अपनाम की थला लीडर की अरिजीत किया। उसी वर्ष उन्हें नंदा में एक की भूमिका की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह अभिनेता शिव कुमार से सबसे बड़े बेटे सूर्या ने ले ली। उनकी अगली फिल्म बहुत ही परिचित थ्रिलर स्टीजंट की, जिसमें उन्हें 10 अलग अलग गेट ऑफ में चित्रित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर एक की व्यवसायिक की सफलता बन गई। पारिवारिक नाटक में एक की भूमिका पुरुवेलन में उन वसम ने जयोतिका के साथ काम किया और तमिलनाडु की राजा के एक ही विशेष सौतेज अभिनेता का प्रसार अर्जित करते हुए व्यावसायिक और समीक्षकों की द्वारा सफल रही। वर्ष के अंत तक की संतोष सिवानी की हिंदी परियोजना की अशोक में हुआ, जिसमें अर्जित ने विरोधी की भूमिका निभाई जिससे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2002 में अरिजीत ने 3 फिल्मों में दिखाई दिए, पहली 2 रेड और राजा बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही। पूर्व में एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि का निर्माण किया,
कि इस राशि कुमार के द्वारा निर्देशित तीसरी फिल्म विलेन की अर्जित को दोहरी भूमिका में चित्रित किया, एक की मानसिक के रूप से विकलांग की व्यक्ति के रूप में और दूसरी की देखभाल करने के भाई के रूप में। फिल्म की सफल रही और उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सौतेज तमिल की अभिनेता पुरस्कार मिला। 2003 से 2005 तक अर्जित मोटर रेसिंग में अपने करियर की अधिक प्रमुख होने के कारण कम फिल्मों में दिखाई दिए। 2003 में उनकी लंबे समय में विलंबित की एनाई ठलक की वीरूवाला और पुलिस नाटक अंजनय की रिलीज देखी गई, दोनों व्यावसायिक रूप से विफल रही। उसकी आवेदी में तीन सफल फिल्में में अर्थान सामी, काका के काका और गंजनी की विभिन्न कर्णों से अभिनीत की द्वारा ठुकराई दी गई। उनकी अगली फिल्म की स्नेहा के साथ जाना भी एक बड़ी विफलता बन गई। सारण फिल्म की आगासम के साथ इसकी आवेदी में उनकी एकमात्र हिट रही। फिल्म में अर्जित ने दोहरी भूमिका निभाई जिसमें एक की गीत थाला दीपावली था जिसे उनकी एक्शन छवि को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। 2005 में लीगु स्वामी की फिल्म जी की विफलता सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने एक मजबूत शुरुआत लेने के बावजूद अजीत ने अपनी छवि को फिर से काम करने के लिए अभिनय से त्रिविक्रम की 2003 और 2005 के बीच रिलीज हुई पांच फिल्मों से उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस पर हिट की आगासम थी। 2006 और दौरान के अर्जित ने अंतराल से पी की वसु के परमेशिवन में दिखाई दिए जिसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए 20 किलोग्राम वजन कम किया। फिल्म को मध्यम सफलता मिली। उसने विजय की आठी पर स्कोर किया जो उसी सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। द हिंदू के लिए आलोचकों ने कहा कि अर्जित फिल्म में ट्रिम और तना हुआ लग रहा था, केवल उनकी आंखों ने अपनी कुछ चमक खो दी थी। बड़े वजन घटाने के बाद इसके अलावा 2006 में परमशिवन और उनकी दो अन्य परियोजनाओं के लिए अर्जित ने लंबे बालों का एक्सपोर्ट किया जिसे बाल की प्रोजेक्ट नाना का दुअल के लिए उगाया जा रहा था जिसे अंत अर्जित ने बाहर कर दिया। इसी तरह पेरारासु की द्वारा निर्देशित उनकी अगली फिल्म की एवीएम पुटकोसन थिरुपति ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार से ऊपर प्रदर्शन किया। खराब समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद रेडिफ अरोज को कहा हवाला देते हुए फिल्म की कुछ भी लेकिन समझदार है, लेकिन अर्जित ने सृष्टि को बचाया कि एक की उत्साहित प्रदर्शन अर्जित ने अपनी लंबे समय से विलंबित की फिल्म की वरलारू की रिलीज के साथ एक की सफल वापसी की जो उनकी पहले सबसे बड़ी सफलता बन गई। असीन के सौ अभिनीत की एस की रवि कुमार फिल्म ने अर्जित को तीन भूमिका में चित्रित किया जिसमें एक की शास्त्रीय नर्तक की भूमिका भी शामिल थी जिसमें उनकी चित्रण के समीक्षकों के द्वारा प्रशंसा की गई थी। इसके अलावा फिल्म ने अर्जित को अपना तीसरा फिल्म फेयर सौतेज अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। 2007 में मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अभिनेता शंकर के साथ एक परियोजना करेंगे। 2007 में अर्जित की पहली रिलीज अलवर बॉक्स ऑफिस पर एक ही पराजय की बन गई। उनकी पिछली फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही यहाँ तक कि है, लेकिन बाद में के लिए इंतजार कर रहे अयोध्यापन थुकुदुरई के साथ लड़ाई करते हैं। ट्रेन स्टेशन पर निर्जना को न पाकर थुकुदुरई उसे घर पर जा पाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है क्योंकि वह लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी। आपातकालीन की वार्ड में जाने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निर्जना थुकुदुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर चली जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुरई अपनी कंपनी की निर्जना के फार्मास्यूटिकल्स में निर्जना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल की 100 मीटर खिताब के लिए संघर्ष में है। जब उसे मारने की कोशिश की जाती तो त्रेता घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है कि इसके पीछे गौतम वीर है क्योंकि उसकी बेटी नेहा को आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवा मार गया था। गौतम स्काईलाइन की एक्सपोर्टर्स की सीईओ है और कई बहुराष्ट्रीय की कंपनियों को मालिक है।
और हर चीज़ में पहले ही शैतान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने पहले के दिनों में शिक्षा और खेल की सही समान हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से वही उम्मीद करता है जो श्वेता से लिमे सेकंड में धीमी है। गौतम ने नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेहा नहीं मिलेगा, वह डोपिंग का सहारा लेती है जिसे उसे डोर जीतने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता ने लगाया जो अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करती है, इस डर से कि उसके पिता की प्रीतिशा और स्नेहा की पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेहा आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन इस प्रक्रिया में लवराग्रस्त हो जाती है। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल होता है और किसी भी कीमत पर त्रेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निर्जना से अगले 10 दिनों के लिए उसे श्वेता के ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया, जब तक कि उसकी प्रतियोगिता नहीं हो जाती, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में प्रकट नहीं करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत है। वह कई मौके पर अपनी बेटी को गुंडे से बचाते हुए उसकी संगति में रहना पसंद करता है। थुकुदुरई के बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रीति क्षमता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और वह गंभीर है। श्वेता को फिर अमेरिका जाने के लिए मजबूर किया जाता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। त्रेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी साथ लाती है। प्रतियोगिता से पहले ही गौतम पहले से घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस पर कि निर्जना से पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता की पिता है। श्वेता मुलाकात के दौरान पिछड़ा जाती है क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थुकुदुरई गौतम से वापस लड़ता है, ट्रैक पर पहुंच जाता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। त्रेता ने रेस जीती। उसी समय गौतम को थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी को ठीक होते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहती है कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होने चाहिए और उनके माता पिता जो चाहते हैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। श्वेता को विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही निर्जना द्वारा के थुकुदुरई का नाम उनके नाम के साथ जोड़ जाता है और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अर्जित कुमार की अगली परियोजना पर महीने की अटकलों को बाद नवंबर 2017 के अंत में स्टूडियो को आधिकारिक की ट्विटर हैंडल के माध्यम से सत्य ज्योति की फिल्म की निर्देशन में शिवा और अभिनेता अर्जित कुमार के बीच सहयोग की घोषणा की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी ईमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया, जिसने अर्जित कुमार और शिवा के साथ उनके पहले ही सहयोग को चिह्नित किया। एक ही अभिनेता के रूप में यह योगी बाबू की सभी फिल्म होगी। फिल्म प्रिंसिपल फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होने वाली थी, लेकिन तमिल फिल्म की प्रोड्यूसर्स की हाउसिंग की हड़ताल के कारण इसे काफ़ी पीछे धकेल दिया गया। यह अंत की 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में लपेटा गया और पोंगल के 2019 के लिए जारी किया गया था। मुख्य लेख की विश्वासम धवानी की साउंडे की एवं की डी ईमानदारा की रचित है, जो अर्जित कुमार और शिवा के साथ अपना पहला सहयोग कर रहा है। मिलाप मिलन की जावेरी द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारा सुतारिया और रितेश की देशमुख द्वारा अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म की मरजावा के लिए पृष्ठभूमि की संगीत के प्रतिलिपि की बनाई गई थी। विश्वासम को रजनीकांत की अभिनीत की पेटा के साथ थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। फिल्म को तेलुगु और मलयालम में एक ही शीर्षक के तहत और कन्नड़ में जंगमाला के रूप में डब किया गया था।
फिल्म को 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अमेज़न की प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। सैटेलाइट की आधिकारिक की नेटवर्क को भेजे गए थे। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और 25 दिसंबर 2022 को गोल्ड माइंडर्स की टेलीफिल्म्स के द्वारा अपने टीवी चैनल पर सीधे प्रीमियर किया गया। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़ मिलियन के केरला में 2 करोड़ की कर्नाटक में 15 करोड़ शेष भारत में करोड़ से अधिक संग्रह किया। ओवरसीज में 27 करोड़ मिलियन से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ मिलियन के साथ फिल्म ने 2 दिनों में भारत में 3350 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ मिलियन का संग्रह किया। फिल्म ने दुनिया भर में 20 करोड़ मिलियन का लगभग 125 करोड़ की मिलियन से 130 करोड़ मिलियन की कमाई की। तमिलनाडु में 70 करोड़ मिलियन से 70 करोड़ मिलियन के आजीवन की वितरण के हिस्से के साथ की 43 दिनों में 75 करोड़ मिलियन का फिल्म को प्रदर्शन एक्शन की सीक्वेंस की साउंडट्रैक फिल्म को स्कोर और भावनात्मक की भंगफल की प्रशंसा करते हुए मित्री समीक्षा मिली। लेकिन निर्देशन की पटकथा और पूर्वानुमेय की कथानक के लिए आलोचना टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35 का मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया है कि फिल्म अपने कथन में नियमित की टेम्पलेट का अनुसरण करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए की ध्यान में रखते हुए कि बिंदु पर ट्रैक बदलती है वास्तविक कहानी के बाद कथानक भी अनुमानित होता है सामने ही आता है। लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे बार देखने वाला मनोरंजन बनाती है। ब्रियाइंडन की व्यूअर्स ने 35 की रेटिंग दी जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला के प्रसंगों को सपोर्ट करने के लिए सही वैसाई की तत्वों को साथ पैक किया गया है। फिल्म की साथ ही 35 रेटिंग देते हुए कहा मुख्य धारा बहुत सारे फिल्म के निर्माण उसी पुरानी कहानी को बताने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हैं वो अपने स्टार के विश्वासम और उसके साथ टूंटा को सही ठहराती है। फर्स्ट पोस्ट की रेटेड की 35 बताते हुए विश्वासम के पास थिएटर में जाने के लिए लाइक कई क्षण हैं। बारिश में हिरन अंतराल की लड़ाई अनुक्रम के लिए धमाका की फिल्म के मुख्य अक्षर में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अर्जित और शिवा फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी करते हैं जिसमें इसकी मूछें है और लेकिन इसके लिए बनाता है। वैसे भी काफ़ी मनोरंजन घड़ी की इंडिया गेटर ने 35 का मूल्यांकन दिया जिसमें कहा गया है कि विश्वासम को शिव है परिवारों के लिए अर्जित कंबो है। अर्जित कंबो का भावनात्मक की पोंगल उपचार अभिनेता थुकु दुरई के रूप में सुपर ऊर्जावना दिखाते हैं। विश्वासम इस पोंगल की त्यौहार के लिए की एक पक्का परिवारी की मनोरंजन है जाओ और अपने परिवार के साथ आनंद लो। इंडिया टुडे ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया है कि एक जबरदस्त की जासूसी थ्रिलर में विवेगम पर मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशन की सिरुथाई की शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मांग पर वापस जाते हैं लेकिन फिल्म की उम्मीदों को सार नया नहीं करती है और केवल की भागों में प्रभावशाली है हमारी समीक्षा करती है। द न्यूज की मिनट ने 5 में से 2 सितारे का मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया था कि विवेगम में प्रू यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को वापस तमिल में लाती है नाटू और यह एक ही समझदारी भरा कदम की साबित होता है। द हिंदू ने कहा कि फिल्म की ए 7 की समस्या यह है कि यह अर्जित स्टार के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 15 सितारे का जबकि यह विचार दर्शकों के मीठी जीत के क्षण के एहसास कराने के लिए होता है। यह केवल उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद कर देता है जो एक अच्छी व्यवसायी की फिल्म का आनंद लेते हैं।
डेकन कार्निकल ने कहा, हालांकि कहानी में कुछ भी नया नहीं है, शिवा ने एक फिल्म की बनाई जो एक बड़े स्टार की थला की अर्जित के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 25 सितारे का मूल्यांकन किया, जिसमें कहा गया है कि निर्देशन शिव की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें की एक अर्जित दे रही है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मस्ती कर रहा है। इसके अलावा जिस पर फिल्म के रूप में सरप्राइज वैल्यू पर काम करती है। अरिजीत कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्य